और इसमें तीन ठो लगा के है आदमी लोग। हाय तो बोल दो यार। अभी जा रहे हैं हम लोग कटोरा गोकला मेला के पास, मतलब वहीं पे आए थे तीन मंत्री। तो देखते हैं सब लोग बड़े लेट कंटिन्यू करे मिलते हैं। Yeah.
जी विष्णु देवसाय जी को फुल चाप में वोट कर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाना है। अगर हमारे माता बहनों आप लोगों के लिए वादा किए हैं, अगर 500 रुपए में गैस देना है बंधुओं बहने लेना है तो विष्णु देवसाय जी को फुल चाप में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाना होगा। बंधुओं जो हमें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मोदी जी 5 लाख इलाज के लिए देते थे, अभी मोदी जी आप लोगों के लिए घोषणा किए हैं कि 10 लाख आप लोगों को देंगे। तो अगर हम लोग को 10 लाख रुपए अपने इलाज के लिए लेना है तो हमारे कुनकुरी के प्रत्याशी विष्णु देवसाय जी को कमल छाप में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाना होगा। बंधुओं हमारे जो आप सबों ने तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, आज 5 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दिन केवल तेंदू पत्ता तोड़वाया गया और ना उसने बोनस दिया गया, ना उसने आप लोगों को जो चप्पल जूता मिलता था साड़ी मिलता था कुछ नहीं मिल रहा। आज मोदी जी ने आप लोगों के लिए घोषणा किया है कि आप लोगों को 550 रुपए चट्टा और बोनस और जो भी चप्पल जूता है सब आप लोगों को दिया जाएगा और 15 दिन आप लोगों को तेंदू पत्ता करवाया जाएगा। ये मोदी जी का वादा है आप लोगों से और आप लोगों को पता है बहनों कि मोदी जी कोई झूठा वादा नहीं करते, मोदी जी संकल्पित होकर कोई भी वादा करते हैं और वे जरूर आप लोगों को पूरा करेंगे। बहुत सी ऐसी ऐसी घोषणा आप लोगों के लिए किया है मोदी जी, हम महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत अच्छे अच्छे घोषणा किए हैं और पहले से भी हमारे मोदी जी आप लोगों के नाम पे राशन कार्ड कपिलेश्वर सिंह जी, सामान्य संतोष सहाय जी, सामान्य देवशरण सहाय जी, सामान्य श्री नायक मिश्रा जी, आप सब से आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सामान्य भरत साय जी, सामान्य आरपी साय जी, बिलेंद्र नाग जी, वेद प्रकाश भगत जी, आप सबसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अब नहीं सहिबो बदल के रहिबो, अब नहीं सहिबो, अब नहीं सहिबो। इसके पश्चात हमारे बीच में हेलो पांचों मंडल अध्यक्ष
माननीय देवचरण साय जी, कपिलेश्वर सिंह जी, माननीय कपिल साय जी, माननीय भरत साय जी पूर्व संसदीय सचिव, माननीय वेद प्रकाश भगत जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, माननीय शशांक राजी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, आप सब से आग्रह करना चाहूंगा कि मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मंच के सामने सुनील गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, राम प्रताप सिंह जी, पूर्व संगठन महामंत्री। A few moments later, निकला आखन तो इधर हाई हो रहा है ना, तब क्वीन ड्रम इनके पार ही कर दी कॉप्टर डे में यार की बड़े हां पूरा गाड़ी है, गाड़ी भूख नहीं रख भाई मामा हेलीकॉप्टर के भूखा भूख फटाफट से आदमी गिर के ऊपर नहीं तक मैं ऊपर रहता हूं। ओके छोड़ ने गु गु होता ये तो काम छा दे था, इधर ये काम छा दे नंबर माइक पे है डर रहा और एक काम नहीं गलत बात नहीं है, गलत बात इसमें देंगे तब तो देंगे कमल छाप में। अरे ठीक है भाई, गमछा मिल चुका है, नहीं बड़ा बड़ा नहीं ढोगे और कर्नाटक जल में लगी क्या दे गाड़ी के ऊपर चिड़ जी अमित शाह ये जगह जो मिलने के लिए मैं एक आदमी है पीन तो चप्पल की जूता कोज लोकेशन में आटा हबे मोर तक जन काले पूरा लाइटिंग मार दे बोले दिक्कत है बना ये जी दिक्कत मोर तक एक नंबर दिखे ये दिन बाय बाय टाटा करी अखन देख रहा हूं बाहर ही अखन तीन राउंड लगे दोस्ती होते बढ़ता वाला करे तो
बाय बाय टाटा फोटो में तो करिया दिसत रे कल बिना बात के कोनो पर ले छ का बिना चल बात के कोनो पर ले ए बाबू टोपी मन कहां कहां भाई गलत खोजा पानी पटरी जल्दी बड़े टोपी हटे चला ए बाबू आराम से आना मत धक्का देना बाबू लगा ने अब बुढ़ा है गलत ना होने चावल शराब मैंने मेरे जीवन में गाय के गोबर में घोटाला करने वाला आदमी नहीं देखा इसने घोटान का भी घोटाला कर मुझे बताओ जो गाय का गोबर नहीं छोड़ते हैं वो छत्तीसगढ़ का भला कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं अभी अभी महादेव सत्यदेव का घोटाला हुआ मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा और महादेव का उसका सम्मान किया मोदी जी ने और इन्होंने सट्टाबाजी की ऐप को महादेव ऐप नाम रखकर 5,000 करोड़ का घोटाला करने का काम एक भूपेश कक्का ने करा है माताओं भाइयों बहनों मैं आज आपको कहकर जाता हूं अच्छे से तैयारी कर लेना भाजपा सरकार बनते ही हर किसान को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपया से खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खेती है मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है इसको 10,000 रुपया सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और इसके साथ साथ मैं कहता हूं इतने सारे कपड़े घोटाले करे हैं इनको जांच करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी माताओं भाइयों बहनों इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं मैं सभी को कहता हूं अकाउंट खुलाया न हो तो अकाउंट खुला देना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी माताओं बहनों के अकाउंट में शादीशुदा सभी महिलाओं के अकाउंट में साल के 12,000 रुपया डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी अभी ये मातारी वंदन योजना का फॉर्म भराने आ रही है मैं सभी मातारियों को हाथ जोड़ कर कहता हूं अपना पर्चा भरा देना एक घर में है तो एक घर में दो है तो दो तीन है तो तीन घर में तीन है तो 36,000 रुपया आपको मिलेगा और किसान का घर है तो 12,000 रुपया और मिलेगा मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है 18 लाख घर में गरीबों के लिए हम बनाएंगे आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख की जगह 10 लाख तक बीपीएल कार्ड का सारा खर्चा स्वास्थ्य का अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाने वाली है और पब्लिक सर्विस कमीशन में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भर्ती में कोई घोटाला ही नहीं होगा और माताओं बहनों गैस का सिलेंडर आपके पास जो मोदी जी ने भेजा है ना अब कितने भी दाम बढ़े चिंता ना करना भाजपा सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको देने वाली है 500 रुपये माताओं भाइयों बहनों हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं कांग्रेस सरकार थी तब 10 साल में
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 77,000 करोड़ रुपया भेजा था मोदी जी ने, ये 9 साल में 77,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,00,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावे नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरबेस, ढेर सारी व्यवस्थाएं एयरपोर्ट की नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसके साथ साथ 40,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया, 33,00,000 परिवारों में नल से जल, 2 करोड़ लाभार्थियों को 5,00,000 तक का स्वास्थ्य का बीमा, 38,00,000 माताओं के घर में शौचालय बनाने का काम किया और 2 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ भैया, कोरोना का दोनों टीका लगा है ना? जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके, लग चुका है ना? एक पैसा भी खर्चा हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर दो दो टीके लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अंत में मुझे बताओ माताओं, भाई और बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? 125 लिया ना, जो से बोलो है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहती? नरेंद्र मोदी जी ने न केवल धारा 370 हटाई, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साय को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं जीतते भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, कमल फूल की सरकार बनाएंगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। A few moments later.
को क्या चलते से बात में Alexa.